বেঁচে তো গুড় খুব ভালো সলিউশন। আচ্ছা আমি জাস্ট ট্রাইং টু ফিগার আউট সাম মাইক ইস্যুস আউট হিয়ার। একটা মাইকে আওয়াজ থাকলে আরেকটা থাকছে না, যাকে চলছে। বাট দিস ইজ নট দি এন্ড, যেরকম হয় আমাদের আরেকটা গানের সাথে We have the same family following, so we have Umesh Shah. Putun Tele. Where is he? Oh, here. Okay. Umesh is going to recite a poem. We're not sure, but it's again the love theme. Welcome. Ganesh Shah, you're in the theme. Hello. Good evening. For the ones who don't know me, it's not important that you have to know me. I'm Umesh. And I've been with Sanskriti for a while, and I just want to continue the theme of love for a bit. The young lady who performed right before, I'm a proud father of her. So we kind of shows that, okay, let's go ahead with this theme for this Durga Puja. And what I have today is a poet. I won't say it's a poetry, it's more of a story. And for a change, it will be in Hindi. So, Ibadi Rajugda Khomaprati, Ami Tomar Shate Boshe Amar Agra Explain Kurbo. But this is Hindi mixed with English. So, love being an eternal language, I'm sure you will follow along. Without much ado, let me start with this. The poem is by a poet called Amandeep Singh. I wanted to write something myself but didn't get the time to do that. So here it is. The poem is called Tum Aisi Hi Tu Achhi Ho. Tum chalti ho chinab ki tarah, dikhti ho ek khwab ki tarah, jiska sawal main sadiyon se dhoond raha hoon, tum lagti ho us jawab ki tarah. इजहार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया, प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसने तो इनकार भी नहीं किया। पूरा एक सप्ताह हो गया था और मैं और उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया था। हाँ, कुछ महीनों से हम बातें कर रहे थे पर बातें अधूरी छूट जा रही थी, तो मैंने अपना फोन निकाला और टाइप किया लंच टुमॉरो एट 12:30 क्वेश्चन मार्क। सेंड किया और गुस्से में हताश होकर सोने चला गया। पता नहीं कैसे सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली और बंद आंखों से ही मैंने फोन ढूंढा तो देखा कि उसका मैसेज सबसे ऊपर था, मेक इट वन। मैं चिल्लाकर बेड से उठा और भागते भागते कॉरिडोर में गया। सुबह 5 से 6 का एक ऐसा वक्त होता है जब सारा हॉस्टल सो रहा होता है और मैं उस वक्त कॉरिडोर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के चक्कर काट रहा था। अफवाह थी कि मैं पागल हूं पर उस दिन काफी लोगों को इस बात पे यकीन भी होने लगा था। पर मुझे लोगों की कहां पड़ी थी, मुझे तो बस इस बात की चिंता थी कि मैं जाऊं कहां और कैसे। मतलब मेरे एक साथ लड़की चल रही होगी जिसे मैं पहली नजर में देख के अपना दिलो जान हार चुका हूं। जब उसका मैसेज भी पढ़ता हूं तो मेरे दिलो दिमाग में काबू नहीं रहता। वो तस्वीर देख लेता हूं उसकी एक पल तो कहीं खो सा जाता हूं। वो अगर सड़क किनारे दिख जाती है तो मैं हड़बड़ा कर रास्ता बदल लेता हूं और आए दिन उसी मोड़ पे रुक कर मैं वहां उसका इंतजार करता हूं। वो मेरे साथ बाहर लंच पे आ रही है और मुझे उसके सामने पूरे होशो हवास में रहना है। अरे कोई तो बताओ कैसे। मैंने अपने आप को समेटा और वापस रूम में गया, अपने दोनों रूममेट्स को उठाया और उन्हें सब कुछ बताया। एक पल तो उन्हें भी समझ में नहीं आया कि इस लड़की ने मिलने से हाँ कैसे कर दी। फिर हम तीनों ने मिलकर पूरा निरीक्षण किया। हमने एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढा जो हमारी हॉस्टल से करीबन थोड़ी दूर पे हो ताकि वहां आने जाने के रास्ते में हमें इतना वक्त मिल सके कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाए और वो साथ ही साथ मेरे बजट में भी हो। उन्होंने बहुत कुछ समझाया मुझे, इतनी दलीलें पेश की कि जितनी शायद सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के समय भी नहीं किया होगा। और देते भी क्यों नहीं,
क्रशेस तो बहुत हुई थी बट दिस वॉज अ वेरी स्पेशल डे. 21 सालों से मैंने उस लम्हे को अपने पास महसूस रखा था और उस रोज मैं उसे किसी साथ के साथ किसी किसी के साथ बांटने जा रहा था. उस दिन में एक अलग सी बात थी, बस मानो लग रहा था कि 21 सालों से वो दिन बस मेरा इंतजार कर रही है. ब्लू इज माय फेवरेट कलर, तो अपने गिने चुने कलेक्शन में से सबसे अच्छी ब्लू शर्ट निकाली और बॉयज हॉस्टल में जो सबसे महंगा परफ्यूम होता है उसे मांग के लगाया और समय से पहले ठीक 12:30 बजे मैं अपने कमरे से निकला ताकि मैं वहां पहुंचकर उसका इंतजार कर सकूं. उसी बीच में उसका मैसेज आया, मैंने फोन में देखा तो लिखा था, सॉरी कॉमा आई विल टेक अ बिट मोर टाइम टू गेट रेडी सो कैन यू मीट एट 1:30. ना करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी. मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा मुझे वक्त दे रहा है कि फुर्सत से तैयार हो जा उसे पहली बार इतने करीब से देखने के लिए. तो मैं 1 बजे ठीक वहां पहुंचा. जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरे दिल की धड़कनें तेज होती गई और दिमाग तो कब कर काम करना बंद कर चुका था. मैं इसी बात की रिहर्सल कर रहा था कि मैं उसे हाय कैसे कहूंगा, क्या मैं उसके साथ हैंडशेक करूं या फिर बस वेव करके छोड़ दूं. फिर सोचा हैंडशेक कर लूंगा, इसी बहाने कम से कम एक बार उसका हाथ तो थाम पाऊंगा. पता ही नहीं चला इस बीच कब 1:30 बज गए और मेरा फोन बजा. मैंने देखा तो उसका मैसेज था, आई गेस आई कैन सी यू. मैं जैसे ऊपर देखा वो सामने खड़ी थी और उस एक पल में समझ में आ गया कि जादूगरी क्या चीज है. मुझे ऐसे लगा कि सारी कायनात थम सी गई है जैसे उसके जैसे जब उसके कदम मेरे तरफ बढ़ने लगे. लगा जैसे मौसम की पहली बारिश की बूंदें मुझ पर गिर रही हों या फिर खुदा की लिखी सबसे खूबसूरत कहानी को मैं पढ़ रहा हूं, जैसे खुदा की लिखी सबसे खूबसूरत कहानी मैं पढ़ रहा हूं. और मानो जैसे ये पूरी दुनिया मुझ पे हंस रही है और बोल रही है कि अब तो तू किसी काम का ना रहा. वो आई ठहरी और मुस्कुराते हुए बोली, हे हाय. ये शख्स जो पूरी दुनिया को के सामने अपनी दिल की बात सरफरोश रखने की काबिलियत और हिम्मत रखता है वो उन दोनों आंखों के सामने उसकी जबान लड़खड़ाने और हिचकिचाने लग गई. तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया. पूरे 10 मिनट लगे मुझे खुद को समेटने में उसे पहली लाइन बोलने में और वो था कि कहीं तुम्हें देर तो नहीं हो रही है. तो वो हंसने लगी और कही, मैं तो अभी आई हूँ, आराम से जाऊंगी. उसी बीच हमारी कैब आई, हम उसमें बैठे. रास्ते भर वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी कहानियां सुनाती गई और मैं चुपचाप उसे सुनता गया. ये लड़का जो पूरी दुनिया को अपनी कहानियां सुनाता है बस उस एक लड़की के सामने चुपचाप बैठ कर सारी दास्तां सुनना चाहता था. गाड़ी ने हमें डेस्टिनेशन पे उतारा. वहां से रेस्टोरेंट पहुंच 100 मीटर्स की दूरी पर था पर वहां भी मैं रास्ता भूल गया. शायद वो सोच रही होगी कि किस पागल के साथ आ गई है. जैसे तैसे करके हम रेस्टोरेंट तक पहुंचे. वहां मैंने टेबल लिया और मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ते हुए उसके तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे ऑर्डर करना नहीं आता. तो उसने कहा, अरे ये क्या बात हुई, अच्छा बताओ क्या खाओगे. मैंने कहा, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो. और उसके बाद एक एक कर मैंने अपने सारे राज उसके सामने रख दिया और वो उन्हें मोतियों की तरह एक एक कर किसी धागे में पिरोती गई. उस एक पल में लगा कि जैसे कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो. खाना खत्म किया हमने और मैं उठने ही वाला था कि इतने में उसने दोबारा पूछा, अच्छा हाँ. मैंने कहा, अब. उसने कहा, हाँ खाना तो खत्म हो गया, अब कहाँ जाना है. अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे सिलेबस के अनुसार तो खाना खत्म करने के बाद हम हॉस्टल जाने वाले थे. इतने में उसने दोबारा पूछा, अरे बताओ तो कहाँ जाना है. मंदिर, यहाँ पास में एक मंदिर है, वहां चले. उसने कहा, चलो चलते हैं. रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त मैं झिझकते हुए पूछा कि बाहर मौसम थोड़ा खराब है, अगर बारिश हो गई तो. उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं छाता लेके आई हूं और वैसे भी आज बारिश होने से नहीं. And at that very moment, I so wanted with all my heart and soul that it rains, so that we could walk together in that one umbrella she bought. पर खुदा भी तो हमेशा उसके ही साथ है
तो नहीं हुई बारिश। सड़क के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहे और बढ़ते कदमों के साथ मैं कभी लड़खड़ाता, कभी हिचकिचाता, तो कभी बातों में घबराता। उसने मुझे बताया कि वो किस तरह अपने घर की सबसे लाडली बेटी है, उसने उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद, कैसे वो एक बार हाथी की सवारी करते हुए ऊपर से गिर गई थी और कितना ही पागलपन है उसमें जो वो अब भी जीना चाहती है। और मैं वो लफ्ज़ पे लफ्ज़ उसकी हर एक कहानी, हर एक बात को महसूस करता रहा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मुलाकात के बाद हमारे बीच कुछ ना कुछ बात तो बन जाएगी, पर देखते ही देखते हमारी बातें होना बंद हो गई। मैं समझ गया था कि शायद उसकी ओर से कुछ नहीं है, पर मैं उसे एक बार बताना चाहता था कि कितनी खास है वो मेरे लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब और कैसे। कई महीने बीते और मैंने फिर से हिम्मत करके उसे दोबारा मिलने के लिए पूछा। हाँ, इस दरमियान हमारी इक्का दुक्का बातें होती थी, मैं अब भी सारे राज उसके सामने खुले छोड़ता था कि वो एक बार उन्हें फिर से उन मोतियों की तरह किसी धागे में पिरोए। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ गया था, हिचकिचाया नहीं, वेव करके हाय कहा, उसके लिए दरवाजा भी खोला और उसके साथ साथ अपना दिल खोल कर रख दिया। एंड I was sitting there, confessing my feelings to her with a coffee in my hand and requesting her to say a no. हाँ, हाँ सुनने के लिए तो बहुत से लोग इजहार करते हैं, पर मैंने अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया था ताकि वो एक ना कह दे and I could walk away, पर उसने उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं आज भी सोचता हूं कि अगर शायद उस दिन उसने एक जवाब दे दिया होता तो मैं उस कहानी को एक अंजाम तक ले जाता। अपने हिस्से का तो एक इनकार ही मांगा था मैंने, और उसे वो भी गवारा ना हुआ। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही अच्छी हो। कुछ खुद में ही तुम गुम रहती हो, मुझसे भी बातें कम करती हो, कुछ भूल जाने की तुम्हारी आदत, कुछ बेवक्त मुस्कुराना जैसे इबादत। तुम्हारी हर झूठ में भी लगती मुझे तुम सच्ची हो। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। ना जाने ऐसा धोखा फिर कब होगा, हमारे मिलने का मौका फिर कब होगा, कभी तो सुनोगी तुम पुकारने से पहले। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू उमेश। आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज अ डांस ड्रामा which is about Navratri across India. So the way we have structured it is we start with the west, then we go to the south, then the north, and then the east.